राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से कोचिंग खोलने की परमिशन दे दी है एक निर्धारित गाइडलाइन के तहत। उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग क्लासेस संचालित करेंगे सिस्टमेटिकली। अपने बेचे जो बच्चे हमारे ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो हाइब्रिड कोर्सेज में, उन बच्चों को ऑफलाइन के लिए हमने मैसेज सभी बच्चों को करवाया कि भी उनके अनुकूलता और पेरेंट्स की अनुमति के साथ में वो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस जो हमारी 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है उसमें वो ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। सरकार ने 50% कैपेसिटी के साथ में हमको अलाउ किया, तो हमारी सेम वैसे ही व्यवस्था है। स्टूडेंट्स की एंट्री बिना मास्क का हमारे सिस्टम में, मतलब क्लासेस में, कैंपस में अलाउ नहीं होगा। और एंट्री पे ही उसकी थर्मल स्कैनिंग प्लस सैनिटाइजिंग की व्यवस्था रहेगी और पूरी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी असुविधा नहीं हो, उनका स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। रेल मंत्री सबको निवेदन किया है कि यहाँ पे अलग अलग राज्यों के हजारों विद्यार्थी एक ही समय में आएंगे, तो अभी जो मान लो कि जो भी संसाधन है, रेलवे है, तो उनमें कहीं पे भी विद्यार्थी आने जाने में असुविधा नहीं हो, स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएँ। के सभी हॉस्टल्स लगभग 3-3.5 हज़ार हॉस्टल्स हैं कोटा शहर के अंदर। लगभग 700-800 मेस एवं सभी तरह के दुकानदार जितने भी कोटा क्षेत्र में हैं उन सभी को हमने अभी एक गाइडलाइन जारी करी है। जिस तरह के फास्ट फूड सेंटर हैं या जो थड़ी वाले हैं या ठेले वाले हैं उनको भी हमने एक आवश्यक निर्देश कोविड की को देखते हुए जारी किया। बच्चों की स्वास्थ्य को प्राथमिकता रखते हुए हम लोग हर हॉस्टल में एक रजिस्टर मेंटेन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बच्चा अपना डेली का, उसको यदि कोई लक्षण उसको दिखता है तो उसके अंदर वो एंट्री करे। उसके अंदर जैसे खांसी है, जुकाम है, तो उस एंट्री करना एक अनिवार्य हम लोग कर दिया इस चीज़ को ऊपर। और जो एक हमारा जो स्टाफ होता है मेस का या जितने भी हमारा स्टाफ जो काम करता है हॉस्टल्स के अंदर, उनको हमने वैक्सीनेट के लिए एक अनिवार्य कर दिया है कि जो भी हॉस्टल में काम करने वाला वर्कर है उसको वैक्सीन की एक डोज लेना अनिवार्य हमने कर चुके हैं इसके अंदर। जी, जो बच्चे होम टाउन से किसी कारण से वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं उन लोगों, उन बच्चों को भी हम लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और बच्चों को वैक्सीनेशन की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे उनको अगर कहीं सेंटर तक जाना होता है तो उनको लाने ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही कोविड से रिलेटेड सारे प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि स्टाफ ग्लव्स पहन कर रहता है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है और इसके अलावा डिस्टेंस मेंटेन की जा रही है। रूम्स में सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी कल्चर ही यहाँ पर स्पेशली डिज़ाइंड है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी फैसिलिटी सभी बच्चों को दी जा रही है। मैथ्स में जो है हम लोग 50% बच्चों को ही अलाउ कर रहे हैं, एक अल्टरनेट सीट छोड़कर बच्चों को जो है खाना खाने के लिए बैठाया जाता है। इसके अलावा आइसोलेशन सेंटर टाइप से एक फ्लोर है उसमें एक पोर्शन अलग से किया हुआ है, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं।